आज जो हम लोग पद पढ़ने जा रहे हैं वो कबीरदास जी के द्वारा रचित पद है और हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में मात्र अभी एक ही पद है, तो हम इसी पद का अध्ययन करेंगे। हम तो एक एक कर जाना, हमने एक एक करके देख लिया। दुई कहे तिनको दोजक, जिन नाहीं पहचाना। दुई कहे, जो दो कहते हैं तिनको दोजक, दोजक माने नरक, उनको नरक मिलती है। जिन नाहीं पहचाना, जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं और उसे दो कहते हैं, उसके विभेद करते हैं, बांटते हैं, ऐसे लोग नरक में जाएंगे, दोजक में जाएंगे। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। इस संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, अर्थात प्रकाश है। एक खाक गढ़े से भाड़े, एक ही कोहरा साना। एक ही मिट्टी से सभी बने हुए हैं। जैसे कि कुम्हार जो होता है वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, और बर्तन कई प्रकार से होते हैं, सभी बर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु वो एक ही मिट्टी से बनते हैं, एक खाक सने एक ही मिट्टी से बनते हैं, और बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। कोहरा साना यानी कुम्हार भी एक ही है, परंतु अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं और एक ही मिट्टी से और एक ही कुम्हार के द्वारा। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि काटे कोई, जैसे बढ़ी लकड़ी को तो काट सकता है परंतु अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी प्रकार से हम इस शरीर को इस समाज में जात धर्म के नाम से बांट सकते हैं, परंतु जो आत्मा है परमात्मा है उसको हम नहीं बांट सकते हैं। सब घट अंतर तो ही व्यापक धरय स्वरूप ऐसो ही। सब घट यानी कण कण में, हर कण में, हर घट घट में तू ही है। कौन है? ईश्वर है। वही व्यापक रूप धारण करता है, आवश्यकता अनुसार वह व्यापक रूप धारण कर लेता है। माया देख की जगत लुभाना, काहे रे निर्गर्भाना। माया रुपया पैसा देख के संसार के लोग पागल हो जाते हैं। जगत लुभाना, माया देख जगत लुभाना, माया देख के लोग इसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसके पीछे पैसा रुपया के पीछे। काहे रे नर गर्वाना, इनके पीछे तू क्यों गर्व कर रहा है? हे नर, हे मनुष्य, इनके पीछे तू क्यों गर्व कर रहा है? निर्वर भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कह रहे हैं वो तो निर्भय हैं, उन्हें माया नहीं व्याप सकती है। कबीर दास जी तो ईश्वर के दीवाने हैं। तीसरे देखते हैं, हम तो एक एक कर जाना, हमने एक एक करके देखा। सभी धर्मों को एक करके देखा है क्योंकि सभी ईश्वर एक है। हमने सभी धर्मों को एक एक करके देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर एक ही है। दुई कहे तो ही तिनको दोजक, जिन नाहीं पहचाना। जो नहीं पहचानते हैं ईश्वर को, ऐसे लोग कहते हैं ईश्वर में भेद करते हैं, विभेद करते हैं, और ऐसे लोग क्या नरक में जाएंगे जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति से संसार बना हुआ है। एक खाक गढ़े से भाड़े, एक ही कोहरा सहना। एक ही मिट्टी से सभी भाड़े बने बर्तन बने हैं, और उन्हें बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे अग्नि काटे कोई, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु अग्नि को कोई नहीं काट सकता है, वैसे ही हम अपने शरीर को धर्म के नाम पर जात के नाम तो बांट सकते हैं, परंतु उसके अंदर बैठी आत्मा किसी भी रूप में बंटवारा नहीं किया जा सकता। जैसे हम देखते हैं कि अग्नि का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, अग्नि को नहीं काट सकते हैं, उसी प्रकार से हम ईश्वर को भी नहीं बांट सकते हैं। सब घट अंतर तो ही व्यापक धरय स्वरूप ऐसो ही। सब घट में, घट माने कण कण में, हर घट घट में अंतर तू ही, तू ही उसके अंदर विराजमान है। व्यापक धरय स्वरूप ऐसो ही, वह ईश्वर ही है जो व्यापक रूप धारण करके हर कण कण में विराजमान है। माया देख जगत लुभाना, काहे निर्गुणा। माया देख करके जगत लोग पागल हो जाते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे नर गर्व क्यों करता है? इस माया देख को देख करके
रुपया पैसा धन दौलत देख करके गर्व क्यों करता है। निर्भर भया कछु नहीं व्यापे, कबीरदास जी निर्भय हैं, उन्हें माया नहीं व्याप सकती है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कैसे हैं, एक दीवाना की तरह हैं, जिन्हें माया नहीं व्याप सकती है।